हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये मेरा पहला वीडियो विथ हिंदी कमेंट्री। एंड आज हम लोग जा रहे हैं एक मतलब छोटे से सफ़र में, और कुछ डिस्कवर करने वाले, एक केव डिस्कवर करने वाले हैं, जिसको हम लोग पूरी तरह से डिस्कवर अगली वीडियो में करेंगे। एंड भाई, लेकिन मैं जब भी ऐसे फुल तैयारी के साथ आर्मर पहन के ऐसे सीड लेके एंड पूरे फुल तैयारी के साथ जाता हूँ, तब तब मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मतलब कि मैंने पिछले वीडियो में एक गया था पिलेजर्स के टावर में, मगर वहाँ पे कोई मुझे मिला ही नहीं। एंड मेरी जितने भी तैयारी थी भाई, सब वेस्ट हो गई, सिर्फ आर्मर को नुकसान हुआ। तो भाई, मुझे लगता है इस बार ऐसा कुछ ना हो तो अच्छा हो। तो भाई, हम लोग अभी जा रहे सीधे सीधे। एंड मैंने यहाँ कुछ दिनों से नोटिस किया कि भाई, मेरे विलेज में एक भी विलेजर नहीं है। भाई, मैं जब यहाँ पर आया था तब यहाँ पे बहुत सारे विलेजर थे, लेकिन पता नहीं अचानक से सारे विलेजर किधर चले गए। एंड गोलेम भी नहीं है भाई। तो आपको पता है कि क्या हुआ है? मतलब मुझे तो नहीं पता, शायद मैंने उनका कुछ घर वर तोड़ा, तो शायद वो चले गए हैं, या फिर मैंने देखा था एक बार कि कुछ विलेजर्स वेल में जाके डूब गए थे, तो शायद से वहाँ पे 3 विलेजर थे जो वो मर गए। एंड मैंने ही 2 विलेजर्स मार दिए थे, क्योंकि वो मेरे घर में आके, मेरा जो वाटर एलिवेटर जो आपने देखा है उसमें आके भाई तैर रहे थे, तो मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। तो भाई, अब हम इधर जा रहे हैं। एंड मुझे यहाँ दिख गया कोल, एंड मैं सोच रहा हूँ कि इसे लूँ या ना लूँ, लेकिन मेरे अंदर का कीड़ा बोल रहा है ले लो, तो भाई मैं ले लेता हूँ। मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही कोल मिला, और आयरन अगर मिल जाता तो भाई बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते, ज़्यादा लालच बुरी वाला है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, देखते क्या क्या मिलता है हमें आगे भाई। एंड हाँ, कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिए कि क्यों वो विलेजर्स चले गए, या फिर सारे विलेजर्स कहीं जाके, एक मिनट, वो विलेजर्स एक ही है भाई, एक विलेजर दिखा मुझे। हाँ भाई, ये यहाँ पे कैसे आ गए? मतलब एंड सिर्फ एक ही विलेजर है, मुझे लगा कि भाई ये कहीं चले गए या फिर सारे के सारे मर गए, लेकिन भाई यहाँ पे तो एक है। मतलब कि गोलेम भी कहीं पे होना चाहिए, क्योंकि उसे तो मैंने मारा नहीं था, वो तो इधर ही कहीं खो गया था। मैं विलेज के पास ही कहीं खो गया था, मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या शायद से केव में कुछ मिल जाए। तो मैं इस केव में सोच रहा हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं वैसे जाने के लिए, कोई ब्लॉक भी नहीं है ताकि मैं कोई ब्रिज सा बना लूँ। तो इसके लिए हम अगली वीडियो में आएंगे भाई, अपनी अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो में 15 लाइक आ जाएंगे ना भाई, 15 लाइक मेरे लिए बहुत बड़े हैं भाई। सबसे ज़्यादा लाइक मेरे वीडियो में पहली वीडियो में आया था, जो है शायद से पाँच। तो भाई, अगर इस वीडियो में 15 लाइक आ जाएंगे तो भाई मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में, भाई 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में अगर 15 लाइक आ जाएंगे तो भाई मैं अगली वीडियो में इसी केव में जाने वाला हूँ। तो भाई देखेंगे आगे क्या मिलता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ आगे सीधा सीधा भाई। एंड मैं इधर चेक कर रहा हूँ कि भाई रात कहीं होने वाली है या फिर नहीं भी, तो सूरज तो ऊपर है भाई, अभी तो दोपहर भी पूरी नहीं हुई, मतलब रात होने में थोड़ा टाइम है हमारे पास। तो हम अभी इधर से आगे बढ़ते हैं। एंड ये क्या ब्राउन शिप भाई, मैंने इसे पहली बार ब्राउन शिप देखी है भाई, पहली बार। एंड ये मुर्गी, अंडा मिल गया, एक अंडा मिला भाई। इस सफ़र में हमें सिर्फ एक अंडा और एक कोल मिला है भाई, और कुछ नहीं मिला। एंड एक केव में मिला है, जिसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कवर करेंगे। तो भाई इधर आगे बढ़ रहे हैं। एंड भाई ये मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है भाई, क्योंकि अभी दोपहर हो चुकी है। एंड अगर मैं टाइम पे घर नहीं पहुँचा, एंड मुझे रास्ता याद नहीं रहता ज़्यादा, इसलिए भाई मैं थोड़ा डर रहा हूँ कि भाई मैं कहीं खो ना जाऊँ, तो भाई मॉन्स्टर आ जाएंगे एंड मार देंगे भाई। स्केलेटन पिछवाड़े में भाई एरो घुसेड़ के मारेगा, तो उससे पहले हमें घर भाग जाना चाहिए यहाँ से। तो भाई मैं भाग रहा हूँ अभी तो। एंड हमें इस सफ़र में सिर्फ एक अच्छी चीज़ मिली है, वो है केव, जिसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कवर करेंगे 15 लाइक आने पे भाई। 15 लाइक आ जाएंगे अगर 7 दिन में 15 लाइक, तो भाई हम डिस्कवर करेंगे उस खतरनाक सी केव को। तो भाई जल्दी से, एंड अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल पे कर देना भाई। ये दो काम एंड प्लस एक और काम जो कुछ लोगों
कुछ कुछ लोगों को पता ही नहीं है भाई, वो है अपने सेटिंग्स में जाओ, यूट्यूब के सेटिंग्स में जाओ एंड उसमें नोटिफिकेशन परमिशन को ऑन कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप सभी को सबसे पहले पहुंच जाए भाई एक साथ। जिन जिन ने ये तीन काम भाई मिशन टाइप है भाई, मिशन टाइप ये तीन मिशन जिन जिन ने पूरे कर लिए भाई, उनके भाई उनको हर हफ्ते हर संडे, मैं हर संडे सुबह के आसपास लगभग 9 से 11 बजे के बीच में वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है अगली वीडियो में भाई। एंड पर हम यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि भाई मैं खो गया हूँ शायद से, मैं आ तो उसी दिशा में रहा हूँ मगर मुझे अपना रास्ता याद नहीं है भाई, मैं तो इधर उधर भटक रहा हूँ। एंड अभी आपने जैसे कि देखा मैंने अभी फॉल डैमेज, लेकिन मेरा जो हेल्थ था वापस से रीस्टोर हो गया, लेकिन भाई वो तो सिंपल है भाई, रीस्टोर होना सिंपल है, लेकिन भाई आप वो तभी होता है जब हमारा जो खाना होता है वो फुल होता है, लेकिन और जो नॉर्मल गेम होता है उसमें तो मेरा खाना हमेशा फुल रहता है, लेकिन वो वापस धीरे धीरे कम भी होता है, लेकिन भाई इस गेम में पता ही नहीं क्या ही, मतलब क्या ही कुछ हो गया है जिससे मेरा खाना हमेशा फुल ही रहता है, कभी मतलब मेरे इन्वेंट्री में हमेशा पूरा खाना भरा रहता है और मैंने एक बार भी नहीं खाया फिर भी मेरा खाना हमेशा से फुल ही है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। माइनक्राफ्ट भाई ठीक कर दो इसको, वरना खाना रखे रखे सड़ जाएगा, सब रोटेन हो जाएगा। तो भाई इधर हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है शायद से मैं खो गया हूँ, क्योंकि इधर से तो मैं आया नहीं था, लेकिन जा किधर आया तो इधर से नहीं था, लेकिन पता नहीं शायद से मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ मुझे नहीं पता भाई। एंड मैं इधर अटक गया हूँ, वह उछलने दे वो, हाँ ठीक है निकल गए हैं, अब आगे बढ़ रहे भाई, घर मिल जाए पहले, जल्दी से जल्दी घर मिल जाए, रात होने से पहले घर मिल जाए तो बहुत अच्छा। मुर्गी एंड हमने 2 अंडे कलेक्ट कर लिए एंड एक चिकन भी ले लिया है भाई, वैसे तो इन्वेंट्री में बहुत सारे चिकन है लेकिन भाई अब क्या करें, मिल जा रहा है, फ्री का माल है भाई, फ्री का माल, रास्ते का माल सस्ते में उठा लो। तो भाई अब हम घर की एंड रिवर दिख गया मुझे, तो थोड़ी सी खुशी हो रही क्योंकि रिवर हमारे विलेज के पास ही में, लेकिन मुझे लग रहा है ये इधर तो मैं कभी नहीं आया भाई, मैं आ किधर गया हूँ, शायद से मैं अपने विलेज से थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ शायद से। एंड ये कैसी आवाज़ थी भाई, क्या क्या आवाज़ें आ रही है भाई, जल्दी चलो जल्दी, किधर जा रहा हूँ मैं, नहीं, मैं अपने विलेज के पीछे हूँ, अब विलेज तो आगे शायद, मेरे को खुद नहीं पता भाई मेरा विलेज है किधर। एंड शायद जल्दी रात होने वाली है भाई, घर पहुंचना होगा जल्दी, वरना भाई मॉन्स्टर वॉन्स्टर आ जाएगा तो भाई बहुत खतरनाक हो जाएगा, उनसे लड़ने के मेरे AUKT नहीं है भाई, तो जल्दी से निकलो फुल स्पीड भाई, ये ट्रिक है भाई, ये आप डबल डबल W दबाएंगे ना, मतलब 2 बार W, क्या बोल रहा हूँ भाई, डबल 2 बार W दबाएंगे तब ये फुल स्पीड शक्ति आ जाएगी आप में कि भाई आप फुल स्पीड भाग सकते हो ठीक है, मगर जब आप एक बार उछल गए तो भाई वो वापस से सिम। एंड मेरा घर आ गया, ओ हो, आ गया, बच गया भाई, मैं मेरे को लगा कि भाई मैं घर ही नहीं पहुंच, गोलम मेरे को लगा मैं घर ही नहीं पहुंच पाऊंगा एंड मर ही जाऊंगा उधर ही, तो लेकिन मैं पहुंच गया हूँ अभी, तो घर पहुंच गया हूँ एंड अभी रात नहीं हुए, अच्छा होगी रात नहीं हुई वरना अभी मर जाते भाई। तो अब मैं खुद इधर डैमेज लेता हूँ, लेकिन देख सकते हैं आप मेरे को ज़रा सा भी डैमेज हो नहीं रहा है, ये होता है जादू, ओके से जादू बोलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, शायद से मैंने अपना आर्मर ख़राब कर लिया, जादू नहीं आर्मर ख़राब कर लिया भाई मैंने अपना, भाई इतना नूब हूँ मैं भाई, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने आर्मर पहना हुआ है एंड उसमें आग में जाकर घुस गया भाई। तो अभी हम मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ भाई, ये हमारा टेरेस है एंड ऊपर से हम देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है, एंड उधर मेरा ट्री हाउस है आप देख सकते हैं, फार्मिंग भी करी है एंड ट्री हाउस भी बना दिए, ट्री हाउस में चेस्ट वेस्ट रखते हैं एंड उसमें ये सीड्स वगैरह रखते हैं एंड हो रखते हैं, एंड इधर फार्मिंग वार्मिंग करते हैं हम, थोड़ी सी वीट की फार्मिंग एंड कैरेट एंड पोटैटो की फार्मिंग करते हैं, एंड इधर भी हम फार्मिंग ही करते हैं भाई, फार्मिंग ही फार्मिंग,
एंड सामने मेरा पोल्ट्री फार्म है जिसमें भाई हमने सिप और काउज रखे हैं, भाई गौ माता रखे हैं। एंड इधर मैं थोड़े से पम्पकिन कलेक्ट कर रहा भाई, क्योंकि ज़्यादा दिन तक इधर नहीं रख सकते, नए नए पम्पकिन आ जाए। एंड मैं इधर ये सब भी ले रहा, लेकिन भाई थोड़ा रात हो रहा है तो मुझे डर लग रहा है कि भाई कुछ हो ना जाए। एंड इधर सब सारे वेट ले लिए हैं मैंने शायद से। एंड अब मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा, एंड अंदर जाके भाई आराम से दरवाज़ा पहले बंद करना है भाई। एंड अपना वीट रख दे रहा हूँ, सब कुछ सामान रख दे रहा हूँ, उसके बाद शांति से जाके बेड में सो जाऊँगा। एंड ये अंडा इसमें, एंड ये देखो ये 12 चिकन्स, एंड ये भी, और इसमें ऊपर जाते भाई, ऊपर वाली चेस्ट में रखते हैं मैं इसे ऊपर ऊपर। इधर बेड लगा देता हूँ, बेड पिकैक्स नहीं, अरे बेड क्या कर रहा हूँ मैं, अरे बेड लगाना है मुझे, अरे ऊपर जाना, इसे तोड़ रहा हूँ भाई। मैं क्या करता हूँ ना, पहले तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो भाई हो जाती है गलती है भाई। नॉट अ प्रोफेशनल कमेंट्री करता हूँ मैं भाई, इतना प्रोफेशनल कमेंट्री नहीं कर पाता हूँ मैं, क्या करूँ भाई। गलती हो जाती है तो गलती मान लेता हूँ, ठीक है, गलती ये नहीं बोलता कि मैंने नहीं किया भाई। मैंने अगर भाई मेरे कोई प्रोफेशनल कमेंटेटर होते ना तो भाई वो तो फिर से रिकॉर्ड करते, मुझे पता है फिर से रिकॉर्ड करते ही करते, क्योंकि भाई उन्हें तो प्रोफेशनल कमेंट्री चाहिए। मगर हमसे गलती हो गई तो हो गई बाबा, इसमें कुछ बोल नहीं सकते। तो भाई मैं इधर अपना आर्मर वगैरह रख रहा हूँ पूरा शांति से, बस मेरे आर्मर को डैमेज हुआ और कुछ नहीं हुआ भाई, मुझे और कुछ ऐसा मिला नहीं, बस एक केव मिला, इसे हम लोग अगली वीडियो में डिस्कवर करने वाले हैं। एंड इधर हम बेड लगा देते हैं ताकि हम आराम से लगना, और लग गया ठीक है, अब लग गया। अब हम इधर अपना कोल एंड टॉर्च रख देते हैं, एंड फिर हम जाके सो जाएंगे, ओके। एंड अब रख दिया हूँ बोन मील, क्या कर रहा हूँ मैं, ओ हाँ ये मुझे पूछना था कि भाई इसका काम क्या होता है, इस बैनर का जो मुझे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था पिलेजर्स टावर में, मैं जब गया था पिलेजर्स टावर में, वहाँ को मेरे वहीं पे मेरे को ये मिला था। एंड मुझे पता नहीं इसका काम क्या है भाई, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई आप लोग कमेंट में बताना अगर आपको पता हो इसके बारे में, इस बैनर के बारे में, तो भाई वो। एंड इससे पहले भी मैं उस पिलेजर टावर के पास गया था, वहाँ पे मेरे को एक एक्सबो एंड दो इंचेंटिंग बोटल मिले थे। तो भाई मेरे को ये भी पूछना है कि इंचेंटिंग बोटल का काम क्या होता है, एंड मगर मैंने तो उसे फेंक दिया, मतलब कि उससे मेरे को एक्सपीरियंस पॉइंट मिले उससे फेंकने से, मगर भाई मुझे लगता है उसका कुछ और भी काम होता होगा। तो भाई कमेंट में लिखना आपको पता हो तो। Yeah, I can't hear.